नमस्कार, ज्योतिष हिंदानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली कुछ ऐसे साइन के बारे में जो कि आपके हथेली में है तो आपको बेशुमार पैसा मिलेगा, बेशुमार धन मिलेगा, बेशुमार दौलत मिलेगा। हथेली में कुछ एक साइन जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि हम अपने लाइफ में कितना पैसा कमा सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान है ना, तो ये एक तरीके से अच्छे वे में आपको मिल सकता है, यानी कि आपका जो लाइफ है ना वेल सेटल हो सकता है। तो हथेली में कौन से ऐसे योग हैं आज मैं आपको कुछ योग बताऊंगी। देखिए, आपके जो भाग्य रेखा जो है ना वो आपके लाइफ में कितनी लग्जरी आएगी, कितना ज्ञान अर्जन करेंगे ये सब बताता है। तो इसीलिए तो इस भाग्य रेखा को हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो भाग्य रेखा इसे हम लोग विद्या रेखा भी बोलते हैं, इसे हम लोग धन रेखा भी बोलते हैं। देखिए, भाग्य रेखा का आप फॉर्मेशन देखेंगे, भाग्य रेखा हम किसको बोलते हैं, जो रेखा आपके शनि के माउंट तक जाए, कहीं से भी चल के आए लेकिन जाए शनि के माउंट पे, तो इसका मतलब ये भाग्य रेखा है। और भाग्य कहाँ से मिलता है, हमारे कर्म से, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा भाग्य हमें मिलता है, किस्मत मिलता है। और कर्म के देव कौन है, कर्म के देवता बोले जाते हैं, जो कर्म आपसे करवाते हैं, जो कर्म का फल देते हैं, उस देवता का नाम है शनिदेव। इसीलिए जो रेखा आपके शनि के माउंट पे जा रही हो तो उसे हम लोग भाग्य रेखा बोलते हैं, चाहे वो रेखा कहीं से भी निकल के कहीं जाए, यानी कि नीचे से ऊपर, तो वो आपका भाग्य रेखा। अब देखिए, भाग्य रेखा में अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको भाग्य रेखा के मल्टीपल फॉर्मेशन दिखाया गया है, लेकिन अक्सर जो आप हथेली का जब रियल में एनालिसिस करोगे तो आपको कुछ एक रेखा उसमें आपको दिखेगा, यानी कि मतलब कम से कम 10 भाग्य रेखा आपको आम जिंदगी में दिखने को मिल जाएगा। बुक में देखोगे ना तो उसमें बहुत तरीके के, मतलब 10 तरीके के, 20 तरीके के इस तरह के रेखाएं हैं, जो कि भाग्य रेखा अजीब अजीब तरीके के होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपने वीडियो में निगेटिव बात बहुत कम करती हूँ, हाँ एक दो वीडियो जरूर बना देती हूँ जिससे कि निगेटिव अगर आपके पाम में कुछ ऐसा सिंबल है, ऐसा साइन है, तो उसका आपको मैं रेमेडीज भी बता देती हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम अपने भाग्य रेखा के बारे में, जो भाग्य रेखा हमें अच्छा धन दे, जो भाग्य रेखा हमें दौलत दे, जो भाग्य रेखा हमें शोहरत दे, जो भाग्य रेखा हमें गाड़ी दे, बंगला दे, हर लग्जरी कंफर्ट दे लाइफ में, ऐसे भाग्य रेखा के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप दे देती हूँ, हो सकता है कुछ मेरे नए व्यूअर्स हो, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें तो सब पता है, इवन आप मेरे चैनल को देखे तो आप अपना भी चैनल शुरू किए हो, आप लोगों को बता रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। लेकिन कुछ जो मेरे नए व्यूअर्स है उनके लिए थोड़ा सा मैं रिकैप दे देती हूँ कि कहाँ पे क्या होता है, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो देखिए, ये जो पाम देख रहे हैं इसको हम लोग स्क्वायरी पाम बोलेंगे, जब आप इस तरह से मेजर करेंगे तो ये स्क्वायरी आएगा। अब यहाँ पे तीन जो प्रमुख रेखा होता है जिसे कि हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं, वो तीन लाइन होता है, जिसमें कि सबसे पहला जो है रेखा ये आपको, ये लाइफ लाइन, जीवन रेखा, पितृ रेखा, इसको तीनों नाम से जानते हैं। दूसरी जो रेखा है ये है आपके माइंड लाइन, जिसे कि हम लोग मस्तिष्क रेखा भी बोलते हैं, इंटेलिजेंस वाली लाइन बोलते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस कहां से आता है, हमारा दिमाग से ही आता है, बुद्धि से आती है। उसके बाद होता है ये हार्ट लाइन। अच्छा, ये तीन जो प्रमुख लाइन है इसके बिना आप रह सकते हो क्या? आपका जो ये फिजिकली बॉडी नहीं है तो आप ही नहीं हो, ठीक है, फिजिकली बॉडी है, दिमाग नहीं है तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, दिमाग और बॉडी भी है, आपके पास हार्ट नहीं है तो बिना दिल के कितना सेकेंड रह सकते हो, दिन की बात तो छोड़ो, कितना सेकेंड आप रह सकते हो, नहीं रह सकते हो ना। तो इसीलिए इसे हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं। ये आप देखेंगे तो 95 के हाथ में ये लाइन दिख जाएगा। हाँ, इसमें से होता क्या है, कभी कभी ये दोनों लाइन मर्ज हो जाते हैं, कभी कभी लाइफ लाइन भी आपको शॉर्ट दिखेगा, डिफेक्टिव दिखेगा, लेकिन होता जरूर है। तो ये तीन प्राइमरी लाइन है, ठीक है। अब देखिए, इसी पे 9 के 9 ग्रह होते हैं माउंट पे, ये जो है ना पर्वत जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है आपका जुपिटर का पर्वत, ठीक है, ये है आपका सैटर्न का पर्वत जिसे कि हम लोग शनि पर्वत बोलते हैं, इसे हम लोग गुरु पर्वत बोलते, और ये है हमारा सूर्य का पर्वत जिसे कि हम लोग सन पर्वत बोलते हैं, और ये है हमारा मरकरी का पर्वत जिसे कि हम लोग बुध माउंट बोलते हैं। और मंगल को यहाँ पे दो जगह मिला हुआ है, ये पूरे एरिया को आप देखेंगे, यहाँ का बुक पढ़ेंगे, अगर आप इंडिया का बुक पढ़ेंगे, जो भी ऋषि हमारे ऋषि मुनि लिखे हैं, तो उन्होंने राहु केतु के बारे में चर्चा नहीं किया है, उन्होंने बोला है कि हमारा जो ये एरिया, ये पूरा एरिया मंगल का होता है। लेकिन जब वेस्टर्न बुक को आप रीड करेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि ये एरिया जो बीच का, जो यहाँ का जो ये एरिया है, ये एरिया आपका राहु का एरिया होता है, और ये आपका अंदरूनी मंगल जिसको कि हम लोग इंटरनल मंगल बोलते हैं, और इसको हम लोग आउटर मंगल बोलते हैं, आउटर मार्स, इंटरनल मार्स। उसके बाद यहीं पे रेखा जो होती है, यहाँ पे चंद्र माउंट होता है, यहाँ पे मून का माउंट होता है, मून का माउंट और शुक्र का माउंट, वीनस का माउंट सबसे बड़ा होता है लाइफ में। तो यहाँ पे आपको ये रेखा आपका वीनस का है, और ये है आपका केतु है, और ये आपका राहु है, और ये तीन आपका मणिबंध है जिसको कि ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं, यहाँ पे पाया जाता है आपका ब्रेसलेट लाइन। इस तरह से आपके हाथ
साथ में सारा फॉर्मेशन है, इस तरह से माउंट है और सारा काम यहीं पे होना है। एक चीज जान लीजिए, आपका जो हाथ है, आपका जो पाम है, आपके माइंड का मिरर है। तो आपका पाम क्या होता है? मिरर ऑफ योर माइंड, है ना, आपके माइंड का ये मिरर है। तो आपके दिमाग में जो चल रहा है, देखिए कुंडली आप एनालिसिस करवाएंगे, वो तो जिस समय आप जन्म लिए हो तो उस समय ग्रह दशा जो भी आकाश में रहा हो, ब्रह्मांड में रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आपका कुंडली बन गया। अब कुंडली बनने के बाद आप किस देश में आए हो, देश काल पात्र, है ना, इन तीनों, तो उसके अनुसार व्यक्ति का माइंड चेंज होता है। आपका जन्म मान लीजिए इंडिया में हो लेकिन आपका परवरिश यूएसए में हो रहा हो, तो आपका दिमाग माइंड सब उसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्या होगा, आपके हाथ की रेखाएं यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं कि वहाँ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप अपने हाथ में देखना, हर 6 महीने में आपके हाथ की रेखाएं में कुछ ना कुछ चेंजेज हो रही है। कब होंगे चेंजेस? जब आप मेंटली फिजिकली वर्क करेंगे। अगर आप सिर्फ बैठ के ऐसे हाथ देखते रहेंगे तो कुछ रेखाएं चेंज नहीं होने वाली। अगर आप कुछ वर्क करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, तो रिएक्शन आपके हाथ की रेखाओं में दिखेगा। ये मेरे नए व्यूअर्स के लिए, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अब आपको क्या देखना, राइट और लेफ्ट, है ना। हम लोग किसी भी पामिस्ट के पास जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि कौन सा हाथ दिखाएं, लेफ्ट दिखाएं या राइट दिखाएं। तो आपको दिखाना है अपने लेफ्ट हाथ को सबसे पहले। सबसे पहली बात, किसी भी एस्ट्रोलॉजर और या पामिस्ट के पास आप जाएंगे ना तो 2 मिनट तो टेस्ट जरूर ही करेंगे। ये ह्यूमन का नेचर होता है ना कि सामने वाला को थोड़ा टेस्ट करना। तो आप टेस्ट करेंगे तो आप अपने लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो वो जो पामिस्ट होगा वो आपके पास्ट के लाइफ बारे में बताएगा। लेकिन अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है, आप क्या लेके इस धरती पे आए हो इसके बारे में जानना है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को दिखाइए। यानी पास्ट को जानना है, आपके मन की बात जो कि बाहर नहीं आ रहा है, कोई जान नहीं रहा है, सीक्रेट बात है, वो आपके लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड में जो अभी आप कर रहे हो, आगे करना क्या है, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, ये सब आपके राइट हैंड में। तो दोनों हाथ देखते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो अपना राइट हैंड दिखा ले, और जो एकदम से अपने थोड़ा सा पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड दिखाए। राइट और लेफ्ट का खत्म। अब यहाँ पे मेल फीमेल का भी आ जाता है। देखिए ये जो पुस्तकें लिखी गई है, जो भी पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी भी राइटर का पढ़े, किरो का पढ़ ले, आप बरमहीर का पढ़ ले, इन्हीं का भी पढ़े, तो आप क्या देखेंगे, ये पुस्तक आज नहीं लिखा गया है, ये पुस्तक बहुत पहले लिखा गया है। तो बहुत पहले लिखा गया, उस टाइम जो महिलाएं जो होती थी वर्किंग नहीं होती थी, तो महिलाएं जब वर्किंग नहीं होती थी तो उनका लेफ्ट हैंड काम करता था। यानी कि वो डिसीजन अपना नहीं लेती थी, किसी भी तरह का डिसीजन या तो उनके पिता लेंगे या भाई लेंगे या पति या पुत्र लेते थे, वो सोचती नहीं थी, वो उनका लेफ्ट हैंड देखना। और इसीलिए हम लोग बोलते थे कि राइट हैंड उनके पति का होता है। आप सुनते होंगे ना कहीं पे बहुत सारे लोगों की राइट हैंड पति का होता है और लेफ्ट हैंड हमारा होता है फीमेल के लिए। लेकिन कहते ना पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी हो, ये सब देश काल पात्र पे डिपेंड करता है। तो आज का समय वैसा नहीं रहा, आज का काल वैसा नहीं है, समय वैसा नहीं है। आज हर लेडीज अपना डिसीजन खुद लेती है, खास करके वर्किंग लेडीज हैं। तो आज के टाइम में अगर आपके बारे में आपका एक्शन जानना है, आपको करियर जानना है, आपको करना क्या है लाइफ में, आपके फ्यूचर को जानना है, आप कर क्या रहे हो, सही मार्ग पे हो, सही दिशा में हो, तो इसके लिए हमेशा आप ऑलवेज राइट हैंड को दिखाएं, ठीक है। महिला हो या पुरुष, आप ये दिखा सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया मेरे नए व्यूअर्स के लिए। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए 5 साइन लगभग मैं बताऊंगी, 5 साइन एकदम से टू द पॉइंट। हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में बताया हो लेकिन फिर से आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाग्य रेखा, देखिए भाग्य रेखा जो है ना हमारी जीवन शैली को बताता है, ये बात तो जान लीजिए। अब भाग्य रेखा कहते किसे हैं, किसी भी माउंट पे आके आपके शनि के माउंट पे जाए तो ये हमारा भाग्य रेखा हो गया। अब देखिए भाग्य रेखा सबसे जो पहला और रिच भाग्य रेखा बोला जाता है, क्योंकि जब आप जन्म लेते हो तो आपको सबसे पहले यही तो देखते हैं ना कि ये बच्चा किस फैमिली में जन्म लिया है, कैसी फैमिली में जन्म लिया है, ये डिसाइड करता है कि भाग्य रेखा से लोगों को आप जज कर लोगे कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा। जिन भी जातक का भाग्य रेखा केतु के माउंट से निकल के शनि के माउंट पे जाए इस प्रकार से, देखिए केतु हमारे प्रबर्ध का होता है, केतु हमारे पिछले जन्म के कर्म का होता है। तो हमने जितने भी कर्म पिछले जन्म में किए हैं उन सभी चीजों का लेखा जोखा ये सारा हमारा केतु बताता है। और केतु और शनि का कॉम्बिनेशन, वो कुंडली को भूल जाइए, आप इसमें से कुछ व्यूअर्स मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम शनि केतु का, शनि राहु का अच्छा संबंध है, वो अलग चीज है, ठीक है, यहाँ पे ये अलग चीज है। अगर केतु से कोई रेखा अगर आपके शनि के माउंट पे जाए तो ऐसे जातक बहुत ही लकी होते हैं, ये लोग जन्मजात रिच होते हैं, या यूं कह लीजिए ये लोग का जन्म ही बहुत अच्छे फैमिली में होता है। देखिए कहते हैं कर्म तो अच्छा हुआ है तभी तो इनका कहीं ना कहीं कर्म है, आज कोई परेशान है तो कहीं ना कहीं उसका कर्म है, है ना, सब अपने कर्म भोग रहे हैं, कोई किसी का नहीं नुकसान करता है, सब अपने अपने कर्म को भोगते हैं। तो आपको क्या यहाँ पे देखना है, अगर केतु यहाँ पे है तो ऐसे लोगों का जन्म होगा रिच फैमिली में। एक दूसरी चीज, ऐसे लोग जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में सफलता मिलेगी अगर ये चाहें तो। कभी कभी क्या होता है हम लोग दूसरे के दबाव में आके भी वो काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, अगर ये लोग अपने मन से इच्छा से अगर वो काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगा। ये लोग लकी अपने लिए तो होते ही है,
दूसरे के लिए भी लकी होते हैं, इसीलिए इसे लकी चार्म भी बोला जाता है। किसी फैमिली में अगर ऐसे बच्चे जन्म ले लिए हो जिनका इस तरह से लक लाइन है, तो समझिए उस फैमिली का काया पलट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो ये होता है फर्स्ट जो है ये बहुत ही शुभ बहुत ही रिच जन्मजात ऐसे होते हैं, इसीलिए इस लक लाइन को आप पढ़ेंगे किताब में भी तो बहुत अच्छा दिखा गया है, और रियल में भी ऐसे मैं एनालिसिस के दौरान भी देखी हूँ कि ऐसे लोग का बैकग्राउंड काफी रिच होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इस पे आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि मैम मेरा तो है मैं नहीं हूँ, ये रेखा निर्दोष होना चाहिए, जैसा मैं बनाई हूँ ना ऐसा ही होना चाहिए, इस पे ये नहीं कि कट हो द्विप हो तिल हो किस तरह का निगेटिव साइन हो और आप कमेंट करने लोगों, ऐसा नहीं होता है, एकदम निर्दोष होना। अब आपके कुंडली में भी आप दिखाओगे तो राजयोग बना हुआ है, लेकिन राजयोग को भंग कर रहा है तो वो राजयोग कैसे फलित होगा, नहीं होगा ना। अंदर तक रिसर्च होता है किसी भी चीज को, ये कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस होता है किसी भी हाथ का, एक रेखा को देख के पूरा आप जीवन जानना चाहते हैं वैसे नहीं होता। आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछते हैं कि इस रेखा का मतलब क्या होता है, ठीक है मैं उस रेखा का मतलब बता सकती हूँ, लेकिन आपके लाइफ में उस रेखा क्या मतलब से आया है और क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ये मैं नहीं बता सकती, उसके लिए आपको कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करवाना होगा। अब दूसरी जो रेखाएं होती है ना वो होती है मून लक लाइन, जिसको कि मैंने कई बार बताया, और आप एक चीज देखना इसमें हर लाइन आपके शनि के माउंट पे जाए और शनि के माउंट पे भी फिंगर पे गलती से भी ना जाए। अगर आपके हाथ में कितनी भी स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा है तो ऐसा देखा गया ऐसे जातक कंगाल हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं बहुत रिच फैमिली में, और अपनी गलत डिसीजन के कारण अपने गलत कर्मों के कारण ये लोग कहीं के नहीं रहते हैं, कंगाल हो जाते हैं, भीख मांगने तक की स्थिति आ जाती है। थोड़ा मैं निगेटिव बोल रही हूँ बट बोलना जरूरी है आपको, ये भी ध्यान रख। अच्छा ये जो लक लाइन होता है ना ये जातक कहीं भी जन्म ले लें, गरीब फैमिली में जन्म ले ले, अमीर फैमिली में जन्म ले ले, कहीं भी जन्म ले ले, जो इन लोगों का पावर होता है ना इस पावर से ये लोग बहुत ऊंचाई को छूते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग अपने मन का काम करें, क्योंकि मून है ये मन है, और मन के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना उसमें असीम सफलता मिलेगा ऐसे लोगों को, अद्भुत सफलता मिलेगा। अगर आप पॉलिटिशियन के हाथ में देखेंगे जब वो भाषण देते हैं तो दिख ही जाता है कहीं ना कहीं, आप देखना, क्योंकि आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट चाहिए यानी कि जनता का सपोर्ट चाहिए। आपके फैमिली लोगों के वोट से तो आप जीत नहीं जाओगे ना, आप तो अननोन लोगों के वोट से भी जीतोगे है ना, तो इसके लिए अननोन लोगों का सपोर्ट चाहिए। अननोन लोग अगर आपके लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लाइफ में जरूर मून लक लाइन है, या फिर आपके सपोज ये लाइन भी है, ये लाइन भी है तो कहीं ना कहीं मून से आके इस लाइन को टच कर रहा है। तो मून लक लाइन वाले व्यक्ति अपने मन का काम करे तो 110% उन्हें सफलता मिलता है। शर्त यही है कि ऐसे लोग अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाएं, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं। अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तभी सक्सेस मिलेगा। अगर ये लोग अपने जन्म स्थान पे रहते हैं तो इन लोगों को सक्सेस मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। हालांकि वहां भी ये मन से काम करेंगे तो दूर दूर के काम इनके पास आ जाएंगे, ऐसे भी पास का काम तो नहीं आएंगे। जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट का जॉब करना चाह रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब बहुत मेहनत करोगे तो आपको लक लाइन है मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है आपको बहुत अच्छा कोई जॉब आपको अपॉर्चुनिटी हो, बहुत अच्छा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी हो, वो आपको बाहर मिल सकता था, इससे कई गुना अधिक सफलता मिल सकता था। तो ये लक लाइन का मतलब यही होता है। इन लोगों को सोशल वर्क करना चाहिए। देखिए कुछ एक मेरे व्यूअर्स हैं जो कि बोलते हैं कि मैं बर्थ प्लेस से दूर सफलता नहीं मिलता। देखिए मैं यहाँ विदेश बोल रही हूँ, देखिए विदेश का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप अपने जिला से दूसरे जिला चले गए। मैं बार बार बोलती हूँ देश काल पात्र। अब यहाँ पे आज के समय में ये नहीं, आज के समय में ना आपको एक जिला से दूसरे जिला जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अपना खुद का विकल्प होता है, लोग ऐसे चले जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में आप गांव से बाहर भी गए तो विदेशी कहलाता था, तो पुस्तक उस टाइम की लिखी हुई है, इसी वजह से यहाँ पे मैं विदेश बोल रही हूँ। आज के टाइम में विदेश का मतलब विदेश, विदेश का मतलब ये भी हो सकता है कि आप नॉर्थ में हो तो साउथ चले जाओ, क्योंकि कल्चर हमारा, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारा खान पान सब चेंज होना चाहिए, इसको विदेश, यानी कि हम कुछ नहीं जान रहे हैं, हमारा वो देश लग ही नहीं रहा है ना। विदेशी लोग, विदेशी भूमि पे सफलता मिलना, इसको विदेश बोलते हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाता। कुछ लोग बर्थ प्लेस को दूर करने का मतलब ये समझ लेते हैं बस थोड़ी दूर चले गए, ऐसा नहीं होता है, स्टेट बदलना होता है। तो 100% स्टेट बदल लो, थोड़ा दूर चले जाओ, मतलब डायरेक्शन बदल लो तो और अच्छी बात है, कंट्री बदल लो तो और अच्छी बात है। अब देखिए ये तो तीसरा जो होता है लक लाइन वो होता है आपके लाइफ लाइन से। अच्छा लाइफ लाइन से कभी भी लक लाइन निकले और इस तरह से जाए तो देखिए ये जो लक लाइन होता है ना ये भी बहुत अच्छा होता है। एक तो एज को काउंट करना मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, आप यहाँ से एज को बहुत आसानी से 10 बराबर भागों में बांट के आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे इस तरह से आपकी लाइफ लाइन से कोई लक लाइन निकल के जा रहा हो तो ये लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, यानी कि आप स्वयं के दम पे कहीं भी जन्म लिए हो, किसी भी एनवायरमेंट में जन्म लिए हो तो स्वयं के दम पे ये लोग अद्भुत सफलता पाते हैं। और इन लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट क्या होता है, इन लोगों को फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है, माता पिता का खास करके, क्योंकि ये हमारे पितृ स्थान है, ये शुक्र है ना, तो हमारा फैमिली का भी स्थान है, प्रतिस्थान बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ऐसे लोगों को
आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा फैमिली का सपोर्ट मिलता है और खुद भी अपने दम पे ये लोग तरक्की करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज तो मैंने बता दिया, अब एक चीज जो है वो भी मैं बता ही देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि लक लाइन के बारे में बात आया है। देखिए इस टॉपिक पे अगर मैं बताने चलूँ ना तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है, फिर आप बोर होने लगेंगे कि इतना टाइम कौन देखेगा वीडियो को, उतना नहीं बता के मैं समराइज करके बता रही हूँ। देखिए इस पे आप अगर इस तरह से देखेंगे तो ये भी हमारा भाग्य रेखा ही है, ये बहुत शुभ रेखा होता है, बहुत ही उन्नति वाली रेखा होता है। लेकिन इस रेखा के साथ में क्या होता है, ये रेखा किसी भी माउंट पे जाए तो उससे रिलेटेड आपको फल देगा। सपोज इस तरह से है ना, गुरु पे जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे। शनि पे जाए तो टेक्निकल क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करोगे, गुप्त चीजों में है ना, जैसे ओकल्ट वगैरह में अच्छा करोगे। सूर्य पे जाए तो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा करोगे। बुध पे जाए तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड। मंगल पे जाए तो साहस पराक्रम खेल कूद में अच्छा आप करोगे। इस तरह से चंद्र पे तो कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में अच्छा करोगे। केतु पे जाए तो केतु होता है एक तरह से हील करना है ना, लोगों का दुख दूर करने वाला, रेकी हीलर जैसे होते हैं ना, वो सब काम में अच्छा। और अगर ये इस तरह से शुक्र पे जाए तो शुक्र पे जाए तो बहुत अच्छा लग्जरी कम्फर्ट लाइफ में कमा लोगे आप, है ना, फैमिली से रिलेटेड या फिर फैमिली के ही बिजनेस को आगे बढ़ाओगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब एक चीज आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का लक लाइन आया और यहाँ रुक गया। ये जो लक लाइन होता है ना बहुत निगेटिव होता है। ये लोग क्या करेंगे, दूसरे से बात करेंगे, कुछ बात करेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। जिससे बात किया उसी को फॉलो किया, उसी के काम शुरू किया। लेकिन हर इंसान में अलग अलग गुण होता है। आज हो सकता है मैं पामिस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हूँ तो जरूरी नहीं मैं और फील्ड में बहुत अच्छा कर लूँ। तो आप कॉपी नहीं करना है किसी का। ऐसे लोग अक्सर कॉपी करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता है। भाग्य रेखा का रुकने का मतलब है अपने माइंड लाइन पे रुकने का मतलब, माइंड से गलत डिसीजन लिया भाग्य रुक गया। हार्ट लाइन पे रुकने का मतलब इमोशनली कोई डिसीजन लिया, गलत लड़की गलत लड़के से शादी कर लिया, गलत लड़की लड़के के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि इमोशनली ये हार्ट लाइन है ना, तो हार्टली कोई गलत डिसीजन लिया, बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी से हो गया, वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से अगर ये भाग्य रेखा हो, ऐसे लोगों को बहुत ही सोच समझ के काम करना चाहिए। और कुछ भाग्य रेखा के बारे में, अच्छे भाग्य रेखा के बारे में भी मैंने बताया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज भी है उस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।